स्वागत है हमारे जीवा किचन में। आज हम आपके लिए मिस्सी रोटी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। उसके लिए हमें एक परात की जरूरत होगी और इसमें हमें 2 कटोरी आटा लिया है। हम इसको डाल लेंगे। उसके बाद हमें 1 कटोरी बेसन लेना है। ये है जीरा, अजवाइन, सौंफ और हींग। इन सबको भी हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे, 1 कटा हुआ प्याज। ये है लहसुन और मिर्च का पेस्ट, जिसको हमने सिल पे पीस के रखा है। ये हम आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं जिस तरह हम सिल पे मिर्ची और लहसुन को पीसते हैं। ये है खूब सारा धनिया। धनिया से स्वाद बहुत अच्छा आता है और मिस्सी रोटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये है कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। क्या देखिए, आगे हम नमक डालते हैं इसमें स्वाद के अनुसार, और इसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी से हमारी मिस्सी रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। अब इसे हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं और अपना डो तैयार कर लेंगे। पानी डालकर सॉफ्ट, देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आटा थोड़ा फूल जाए, फिर हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। अब इसको साइड करते हैं। हम इसके साथ धनिया और टमाटर की चटनी सर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी धनिया टमाटर की चटनी किस तरह से बनती है। हमें एक सिल लेना है, इसमें हम अपना थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये हमारे पास 2 टमाटर बड़े काट के रखे थे हमने, वो डालेंगे। ये लहसुन और हरी मिर्च है, वो डालेंगे।
से हमारी रोटी सिक चुकी है, अभी से हम थोड़ा पलट के सेक लेंगे। देखिए हमारी रोटी में काली चित्तियां पड़ रही हैं। इसी तरह ये पकाई जाती है। हम तवे को घुमा घुमा कर इसकी रोटी अपनी तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए हमारी रोटी थोड़ी बहुत साइड से कच्ची है, तो हम ऐसे करके रोटी को सेक लेंगे और पीछे से भी हल्का सा सेक लेंगे, जिससे और ज्यादा कुरकुरी और टेस्टी बने रोटी हमारी। अब हम इसे इस रोटी को अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। आइए दूसरी रोटी तैयार करते हैं। इसी तरीके से आप और रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी सिककर तैयार हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। इसमें हम अपना घर का बना हुआ देसी घी लगाएंगे। आप चाहे तो कैसा भी घी लगा सकते हैं। अच्छे से घी लगाएंगे इस पर। घी की रेसिपी भी आपके सामने मैं लेके आऊंगी, जिस तरह से हम घर पे घी निकालते हैं घर के दूध से। देखिए हम अब अपनी मिस्सी रोटी को काट लेते हैं और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिस्सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसके साथ धनिया और टमाटर की चटनी सर्व करी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, और ये दाल मूंग की दाल है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूंगी आगे आने वाले दिनों में। अगर आपको हमारी थाली पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हो इसका कमेंट करके भी जरूर बताइएगा।